नमस्कार, आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। हम हैं आज हरियाणा में और हरियाणा में हमारे जो जैविक किसान हैं राम सिंह जी के प्लाट पे हूँ मैं। और ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और कमाल करते हैं नया में भी। ये जो फूल की खेती आप देख रहे हैं, ये जो है अक्टूबर की लगी हुई है। 1 अक्टूबर को फूल ये लग गया था। अब इनकी जो खेती आप देखेंगे, एक साथ गेंदे के साथ कुछ और भी फसल ले रहे हैं और वो इतनी ज़बरदस्त ले रहे हैं कि आप देख करके उसके परिणाम देख के हैरान रह जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज हम आपको राम सिंह जी से बात करेंगे। बहुत सारे लोग नंबर को पूछते हैं राम सिंह जी के, कि क्योंकि बैंगन की वीडियो मैंने डाली थी, बहुत सारी इनकी चीज़ों को दिखा रखी है। तो प्रयास करेंगे, यदि राम सिंह जी नंबर देते हैं तो नंबर भी आपको मेंशन करेंगे। आइए हम जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। अभी क्या, अभी जिस खेत में खड़े हैं क्या क्या लगाया था, कैसे लगाया था, थोड़ा बताइएगा। इसमें डॉक्टर साहब पहले मूली लगाई थी। ठीक है, मूली कब लगाई थी? मूली लगाई थी हमने 8वें महीने में। ठीक है, और फिर हमने मूली जैसे तैयार होने के टाइम पे आया, फिर हमने गेंदा लगा दिया था। अच्छा, मूली अभी खेत में ही थी? खेत में ही थी, बेड पे ही गेंदा लगा दिया था। ठीक है, बेड कितने चौड़े बनाए? बेड है जी ये 5 फुट पे। 5 फुट का बेड है? बेड है, लाइन से लाइन 5 फुट है और 42 इंच का बेड है बीच में। 42 इंच का बेड है और नाली छोड़ दी? हाँ, बीच में नाली निकाल दी। बीच में नाली निकाल। ठीक है, मूली था तभी गेंदा लगा दिया जी। गेंदा कब लगाया? अक्टूबर में। गेंदा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2022 को गेंदा लगाया। अभी हम खड़े हैं 9 मई 2023 को। अभी गेंदे की क्या रिकवरी रही आपकी? ये बहुत बढ़िया चलिया है जी गेंदा, और बढ़िया बेनिफिट हुआ था। अब भी कुछ ना कुछ दे रहे हैं हमको, और बाद में ये खाद के रूप में तब्दील हो जाएगा। और ये जो सफ़ेद फूल था सेवंती, इसके अंदर हमने 10वें महीने में ये लगाए थे जी चुकंदर। ये देखिए चुकंदर, ये देखिए 1 दिसंबर को लगा था चुकंदर। और ये चुकंदर की साइज़, ये देखिए, और आज तक बिल्कुल प्योर मिठास है, कोई कमी नहीं है। ये देखिए, ये साइज देखो आप, साइज देखिए, किलो के हैं लगभग। अच्छा, इसमें आप 100% जैविक करते हैं? ये 100% जैविक में राम सिंह भैया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे किसान देख रहे हैं, वो मानते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, संभव है जी। कितने सालों से आप जैविक कर रहे हैं? 17 साल से ऊपर हो गए जी जैविक करते। 2006 में लग चुका था मैं, आप देख लो अब 23। अच्छा, कौन कौन सी फसल नहीं लेते हैं? नहीं लेते? हाँ लेते तो सब कुछ है, ये पता है मुझे। कौन सी ऐसी फसल है जो नहीं उगाते हैं आप? ऐसी तो शायद कोई बात ना हो कि जो हम ना उगा सका, हम तो तकरीबन ही उगाने लग रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछने का केवल एक मतलब था कि बहुत सारे हमारे किसान कहते हैं कि बैंगन जैविक नहीं होगा, तो गेंदा जैविक नहीं होगा, तो ये जैविक नहीं होगा। थोड़ा सा वो किसानों को हमारे बताइए कि वो कैसे जैविक कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक बार आप पहले भी आए थे और उस टाइम गेंदे की मेरी फसल यहाँ इस एकड़ में थी, साथ वाले में, और आपसे मेरी यही बात हुई थी, जो गेंदा आपने वो बैंगन देखा था 100% जैविक था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी शायद आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना बिल्कुल। आप कच्चे भी खा रहे थे? हाँ हाँ बिल्कुल, जैविक है, कहीं भी कुछ भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई सबसे बड़ी खेती यही कह रहे हैं कि जो बैंगन है ये जहर के बगैर नहीं हो सकता और केमिकल के बगैर नहीं हो सकता, हमने उसको बिल्कुल जहर मुक्त और करके दिखाया जी। ठीक है, अभी ये फूल 1 एकड़ में यदि लगाए किसान, तो आपके हिसाब से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कब लगाना उचित होगा, क्या क्या करना चाहिए उसे कि बेहतर लाभ कमा पाए? ऐसा है, ये फूल को तो लगभग इस हिसाब से लगाएं जैसे ब्याह शादी में और दिवाली पे आए त्योहारों पे। ठीक है, उसके हिसाब से ही हमने लगाना चाहिए। कितने दिन में ये फ्लावरिंग देने लगता है? 45 दिन में हार्वेस्टिंग शुरू। हार्वेस्टिंग। ये कौन सा गेंदा है? ये तो अब है तिरंगा लगा रहे हैं। हाँ, 3 तरह के हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये नर्सरी तैयार करते हैं आपकी बीज? नर्सरी तैयार करते हैं जी सब। अब दूसरा लगा रखा है, एक और वैरायटी लगा रखी है, वो बिल्कुल गोल है, कलकत्ती गेंदा। अच्छा, इसका क्या लाभ मिला चुकंदर का? इसका चुकंदर का तो जी काफी बेचा भी है, खाया भी है, और ऑर्गेनिक पे गया हमारा गुड़गांव में भी। अच्छा, क्या रेट गया है आपका? हमारा लगभग 40-45 रुपए जाकर था, आगे थोड़ा बहुत वो भी लेते हैं जी। हाँ ठीक है, 40 रुपया ही मान लें हम। एक चुकंदर 1 किलो का है आपका? 1 किलो से भी ज्यादा है जी, कहीं तो 1.5 किलो। अच्छा, हाँ, 1 एकड़ से क्या निकाल लेते हैं आप फाइनेंशियल यदि बात करें तो? चुकंदर का नहीं, पूरा खेत चुकंदर और ये गेंदे का लगभग 2-2.5 लाख रुपए सही हिसाब से चले तो आदमी। चुकंदर जैसे मूली और इसका एक फसल जैसे हम लेंगे ना गेहूँ की, इतने समय में लगभग 2 लाख रुपए निकल जाए।
जितने में गेहूं की फसल लेते हैं, 4 से 5 महीने मान लें हम, 6 महीने मान लें, तो 6 महीने में आराम से 2 से 2.5 लाख रुपए। दूसरी बात एक और है कि जो भी ये फूल पे अगर हम रसायन पे चला रहे हैं तो इतना लंबा नहीं चलेगा, ये जैविक पे ही इतना लंबा चल रहा है। बिल्कुल, आपने अक्टूबर में लगाया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 8 महीने हो गए, सोइंग डेट से लें तो 8 महीने हो गए। और अभी देखिए, अभी अभी इनके फूलों की कंडीशन देखिए, कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। और अच्छी बात यह है कि अभी ये गर्मी में जो फूल आएगा उससे ये और ज्यादा पैसा बना पाएंगे। ये देखो डॉक्टर साहब, देखो ये देखिए, चुकंदर इनका अभी भी है, ये देखो आप साइज देखो, ये देखो आप, ये देख रहे हैं साइज, लगभग 1.5 किलो का है चुकंदर, 1.5 किलो से कम नहीं है, 1.5 किलो का चुकंदर होगा ये। और ये जा रहा है 45 रुपये किलो, 40 से 45 रुपये किलो। यदि राम सिंह भैया यदि बात करने में आप सक्षम हो तो हमारे किसानों को नंबर दे पाएंगे अपना? जी बोलिए। 97284 85186। आप 10 से 5 बजे तक शाम के बात करिएगा, किसान है थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखिए, काम करते हैं इसे, इसमें जैविक सारी चीजें जो आप खुद बनाते हैं कि कुछ बाहर से भी लेते हैं? तकरीबन मैं तो सारी ही खुद बना रहा हूँ, सारा खुद बना लेते हैं। सारा लागत तो उससे बहुत कम आ जाती है? लागत तो कम है जी, मेहनत है सिर्फ, सिर्फ मेहनत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने किसानों को, किसानों से चाहूंगा कि जो अगल बगल के किसान हो एक बार राम सिंह जी के यहाँ जरूर आइए, विजिट करिए, देखिए इनकी खेती को, इनकी टेक्नोलॉजी को। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इनके आगे आकर के नतमस्तक हो जाएंगे जब इसकी, इनकी फसल को, इनकी टेक्नोलॉजी को देखेंगे। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ, 9236111471 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।